लेट्स टॉक अबाउट कीबोर्ड नाउ। कीबोर्ड में बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिनको हम कीज़ बोलते हैं। जब भी हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिखती है, जिससे हम जो भी डेटा एंटर करते हैं तो वह वहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता है। सो ऑन अ नॉर्मल कीबोर्ड देयर आर यूजुअली 104 कीज़ एंड दीज कीज़ आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट फंक्शंस एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर person. The different type of keys are as follows: alphabet keys, number keys, function keys, and special keys. Alphabet keys. These keys are usually for typing letters and words. The letters A to Z are written on the keys. और ये जो alphabet keys होते हैं ये typewriter से match करते हैं. You may have seen a typewriter somewhere, and in the first line there are written Q, W, E, R, T, Y, QWERTY. That's why it's called QWERTY keyboard or keypad. Number keys. The number keys are used to enter numbers from 0 to 9. There are two set of number keys. One is on the top of alphabet keys and the other is on the right side of the keyboard. The numeric keys on the right side of the keyboard can only be used when number lock is on. Functional keys. Functional keys are used for different functions and programs. They are 12 in number from F1 to F12. Special keys, जिनको हम command keys भी बोलते हैं, spacebar. Spacebar सबसे बड़ी key होती है keyboard में और ये key हम use करते हैं दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस लगाने के लिए। उसके बाद एंटर की। एंटर की हम यूज करते हैं टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन और कंफर्म करने के लिए। देन देयर इज कैप्स लॉक। कैप्स लॉक हम यूज करते हैं कोई भी अल्फाबेट कैपिटल लिखने के लिए या स्मॉल लिखने के लिए। जब कैप्स लॉक ऑन होता है तो हम कैपिटल लिखते हैं और जब कैप्स लॉक ऑफ होता है तो हम इसे स्मॉल लिखते हैं या लोअर केस में जिसको बोलते हैं। डिलीट की। डिलीट की हम यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड डिलीट करने के लिए। बैकस्पेस हम यूज़ करते हैं जो भी कर्सर के लेफ्ट साइड में हमने लिखा हो इंटर किया हो उसको इरेज करने में। शिफ्ट की हम यूज़ करते हैं जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं न्यूमेरिक कीज़ के ऊपर उनको लिखने के लिए। और अगर पहला वर्ड कैपिटल लिखना हो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस तो हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कैप्स लॉक। एरो कीज। दे आर ऑल्सो नोन एज नेविगेशन कीज, कर्सर कंट्रोल कीज और कर्सर मूविंग कीज। ये यूज़ करते हैं हम कर्सर को अप डाउन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए ताकि अपनी अलग अलग फंक्शंस करें हम। नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ अ माउस। माउस में यूजली दो बटन होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, और एक वायर से कनेक्ट होता है ये कंप्यूटर से। देयर इज अ स्क्रॉल बटन इन द मिडल जिसे हम अप एंड डाउन करते हैं। ऑप्टिकल माउसेस। ऑप्टिकल माउसेस मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए यूज करते हैं जो वायरलेस होते हैं और ये सेंसर टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। इनके नीचे बॉल नहीं लगा होता है। इफ यू कैन सी देयर इज अ रेड लाइट बीनीथ द माउस, इसको बोलते हैं सेंसर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड होता है कंप्यूटर्स से। देन वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होते हैं वो लेटेस्ट ट्रेंड है मार्केट्स में। ये विदाउट एनी वायर कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स से। आजकल वायरलेस माउसेस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम अपने कंप्यूटर से कहीं किसी भी जगह आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। माउस पैड। माउस पैड माउस के नीचे रहता है जो उसे डस्ट फ्री रखता है और इसको स्मूथ रखता है ताकि हम आराम से कोई भी फंक्शन कर लें। माउस पॉइंटर। अगर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे देखा होगा तो एक एरो की तरह होता है, इसको हम कर्सर भी बोलते हैं। जो हमें किसी चीज़ पे भी क्लिक करना हो तो ये माउस कर्सर हमें या माउस पॉइंटर हमें हेल्प करता है। हमें किसी भी क्लिक फोल्डर पे, किसी भी एप्लीकेशन पे जब भी क्लिक करना हो तो ये एरो की हमारी हेल्प करता है। होल्डिंग अ माउस। माउस को हम पकड़ते कैसे हैं, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है वो हम लेफ्ट क्लिक पे रखते हैं ताकि हम क्लिक करेंगे जब अपने हिसाब से, और जो मिडिल फिंगर होती है वो हम रखते हैं
राइट क्लिक पे और अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। जब भी हमें सिंगल क्लिक डबल क्लिक करना हो किसी भी आइटम पे, किसी फोल्डर पे, किसी भी एप्लीकेशन पे, तो हम इन दो बटन्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस बटन्स फॉर सिंगल क्लिक एज वेल एज डबल क्लिक। टू सेलेक्ट एन आइटम टू सी डिफरेंट ऑप्शंस, सो वी यूज़ राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। फॉर ओपनिंग एनी फाइल और मोर ऑप्शंस वी यूज़ दिस। वी कैन सेलेक्ट एन आइटम बाय क्लिक ऑन द लेफ्ट क्लिक और डबल क्लिकिंग ऑन इट एंड इट विल ओपन। क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग वी हैव टू होल्ड ऑन टू द बटन्स एंड देन लेट इट गो टू टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस।